खबर इंदौर से है, जहां इंदौर पुलिस ने बीएससी स्टूडेंट का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा है, सॉरी, खुश रहना आप सब, मम्मी पापा, ये मेरी गलती है, किसी की कोई गलती नहीं, गलती सिर्फ मेरी है, आप मुझ पर इतना विश्वास कर मुझे भेजा और मैंने मयंक को अच्छे से पढ़ाना, घर में खुश रहना, मेरी जगह आपका नाम रोशन करेगा। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र के हॉस्टल में रहने वाली छात्रा ने सुसाइड से पहले परिवार के लिए यही लाइनें अपनी कॉपी में लिखी। 3 दिन पहले कॉलेज में केमिस्ट्री के पेपर में नकल का प्रकरण बनने के बाद से छात्रा डिप्रेशन में थी। थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया के मुताबिक रेणुका पिता नारायण ठाकर, माता जीजाबाई कॉलेज में बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा थी, बरेली पिपरिया में मोती तबेला की रहने वाली थी। वहां भंवरकुआं इलाके में एक हॉस्टल में रहती थी, जहां रेणुका के परिजनों ने पुलिस को बताया कि 3 दिन पहले उसका केमिस्ट्री का पेपर था। पेपर के दौरान कॉलेज प्रबंधन ने रेणुका का नकल प्रकरण बना दिया था। वहीं छात्रा ने नकल नहीं करने की बात कही थी, लेकिन इन्विजिलेटर ने उसकी बात मानने से इनकार करते हुए उसे कॉलेज से निष्कासित कराने की बात कही। रेणुका के पिता नारायण धाकर बनखेड़ी होशंगाबाद में पुलिस आरक्षक है। वही कॉलेज के प्रकरण को अपने पिता को रेणुका ने फोन पर बताया था। इस पर पिता ने इंदौर आकर कॉलेज प्रबंधन से बात करने के लिए कहा था। वही 20 अप्रैल की रात हॉस्टल के कमरे में लड़की ने रिपीट वही 20 अप्रैल की रात हॉस्टल के ही कमरे में रेणुका ने फांसी लगा ली। परिवार का कहना है कि रेणुका पढ़ाई में अच्छी थी, वो पढ़ाई करते वक्त कभी हथेली पर तो कभी अपने हाथ पैर पर पेन से लिख लेती थी। बचपन में भी इस आदत के लिए माँ बाप ने कई बार उसे डांटा था, लेकिन रेणुका की आदत नहीं छूटी। सिर्फ हाथ पर कुछ शब्द लिखे देखकर कॉलेज प्रबंधन ने रेणुका का नकल प्रकरण बना दिया।